हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर स्टंबल गाइस वीडियो। तो गाइस आ चुके हम लोग एक और स्टंबल गाइस से गेम प्ले में, और फर्स्ट राउंड आ चुका है हम्बल स्टंबल। और स्टार्टिंग में ये मुझे मालूम था यही होगा गाइस, ये हर बार हो रहा है यार, मतलब ये उठ नहीं रहा बंदा टाइप से, कुछ ग्लिच हो गया क्या मेरे में। या तो मुझे लग रहा है अब सेंटर से जाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी मैं साइड से जा रहा हूँ ना मेरे साथ यही हो रहा है। क्या आपके साथ भी यही हो रहा है गाइस? क्योंकि मेरे साथ तो हर बार यही हो रहा है भाई, तो उसका तो मुझे अब कुछ तो देखना पड़ेगा समाधान, वरना ना अच्छे खासे मैचेस में बाहर हो सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे सेकंड राउंड में आ चुका है गाइस टाइल फॉल, और अब यहाँ पे भीड़ थोड़ी सी कम नहीं लग रही आपको? मेरे को तो ऐसी लगा, तो मैंने तो सामने भाई बनाना इमोट फेंक दिया है, लेकिन यार टाइल्स और आगे जा चुकी है, तो एक और बनाना इमोट मैं यहाँ पे नहीं फेंकता हूँ, क्योंकि किसी ने तो आके भी मुझे मारा था और फिर से लात पड़ेगी मुझे, तो लास्ट के लिए इमोट बचा के रखता हूँ, लास्ट में मुझे किक मारना ही पड़ेगा, अब इतनी भीड़ हो चुकी है, वरना ये लोग मुझे दूज दूज के पीछे कर देंगे। तो आगे जाते ही अब किक मारना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है गाइस, यहाँ पे तीन चार लोग को क्लियर कर दिया पूरे रास्ते की तरह। और फाइनल में आ चुका है गाइस कीड़े वाला लेवल, जो कि हम लोग बोलते हैं पॉड बैश अर्जेंटीना। भाई क्यों, मतलब ट्रिक क्या हो चुकी है बंद, अब नहीं करनी है। फिर एक बंदा मैंने वेस्ट होते हुए देख लिया यहाँ पे यार, हर बार ऐसा कोई ना कोई तो दिख ही जाता है जो पाइप में कूद जाता है जाके। मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, ये लोग मतलब कोमा में हैं क्या इतने दिनों से? मतलब ट्रिक बैन हो चुकी है, बंद हो चुकी है, तब भी लोग मार रहे जाके यार। फालतू में एक बंदा वेस्ट हो जाता है जो कि अच्छा खासा खेलने वाला भी रहता है, और ये तो भाई अर्जेंटीना की जर्सी पहना था, वो पहन के बाहर कूद गया, मुझे पहना के चले जाता। अभी यहाँ पे रेसलर आ रहा है, रेसलर को गाइस हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि इसको यार बहुत ज़्यादा ही अंदर से जोश आ रहा है मुझे मारने का, तो मुझे इसको मार के बाहर करना पड़ेगा। लेकिन वो पहले ही जाके टकरा गया पेंटर, बाहर हो गया है, तो मैं और एक और ही बंदा बचे हैं बस, तो इसको तो मैं मारने रहा हूँ, क्योंकि इसने मुझे मारा नहीं था, वैसे भी ये खुद ही पिट रहा है, इसको मारने की ज़रूरत भी नहीं है ज़्यादा, टिका हुआ अभी तक तो भाई ठीक है, अच्छा खेलता होगा, यहीं पे पिटे जा रहा है यार ये तो। लेकिन अभी तक बाहर नहीं होगा, इसी देख रहे हो, ये देखो केला कीड़ा पेंट किसी ने इसको नहीं छोड़ा, लेकिन अभी तक बाहर नहीं हुआ। लेकिन मुझे देखना, जैसे ही मैं एक बार भी टकरा जाऊंगा ना, मैं नहीं बचूंगा गाइस, ये देखना अभी आप देखते जाओ बस, अभी तक तुम्हें टकराया नहीं। ये देखो ये हुआ, बच गया, बस बच गया गाइस, इमोट से बच गया हूँ मैं, वो देखो और बाहर हो गया। लेकिन मैं एक ही बार में बाहर हो जाता हूँ, लेकिन और कोई नहीं होता। तो गाइस फिर से आ चुका है हम्बल स्टंबल, ठीक है, तो इस बार हम लोग यार डाइव ही नहीं मारते, काम करते सीधे ही चले जाते हैं भाई, क्योंकि डाइव मारो बंदा लेट जाएगा, मतलब है नहीं कुछ, इसलिए सीधे ही आ जाओ, ये थोड़ा फास्टर है। लेकिन आगे से हमें कुछ और करना पड़ेगा, कुछ तो नया। अभी यहाँ पे पिछली बार की तरह किक मार के निकल गए, एक बंदा मुड़ गया मेरे बगल में से लिटरली, उसको लगा कि भाई उसमें नहीं पड़ जाए, तो वो मुड़ ही गया, शायद उसको पहले से मालूम था मैं किक मारने वाला हूँ। और इधर हमने बनाना फेंक दिया, जिस पर आके एक डेविल चढ़ के फिसल गया। तो हॉट व्हील्स हसल आ चुका है, जहाँ पे आपको तो मालूम ही होगा कि मेरे से ब्लू कार क्यों ग्लिच दे, मुझे समझ नहीं आता, कहाँ से लाऊं मैं ब्लू कार, कौन से सर्कल से मुझे ब्लू कार मिलेगी गाइस आप ये बताओ। सारे सर्कल मैंने ट्राई कर लिए, सारे होल, लेकिन कहीं से भी ब्लू कार मिल नहीं रही है। आज हम लोग देखते हैं क्या आज हमें मिलती है। यहाँ पर ट्रिक तो मेरी फेल कर दी इन लोगों ने बॉडी मार के, हम लोग जाएंगे गाइस बीच में से, क्या आज हमें बीच में से मिलेगी ब्लू कार? नहीं मिलेगी, और लाल ही मिली है। अगली बार से ना मैं लेफ्ट वाले से जाऊंगा, लेफ्ट के अनुसार पिंक कलर है ना, उसमें से जाऊंगा गाइस। अब वही एक चारा बचा है गाइस लास्ट वाला, जिसमें शायद से हमें ब्लू कार मिल जाए, वैसे उसमें भी मैं बहुत बार जा चुका हूँ, 10-15 बार अकेले खेल के, लेकिन उसमें से मुझे नहीं मिला था। लेकिन अब ठीक है, उसमें से भी जाके देख ही लेते हैं, क्योंकि लाल कार से तो ठीक ही है, कोई और कार मिल जाएगी, ब्लैक कार ही मुझे थोड़ी ठीक ही लगने लगी इससे तो आप देख ही रहे हो, मतलब मुझे नहीं लग रहा मैं यार क्वालिफाई भी कर पाऊंगा, मैं इतने पीछे हूँ, लोग पीछे से आगे आ जा रहे, लेकिन ये कार आगे बढ़ नहीं रही। देखो एक और बंदा पीछे से आ गया, लास्ट क्वालिफाई हुआ हूँ मैं यार लास्ट। भाई सुपर स्ट्रैट की मैंने कल थोड़ी सी ट्रिक सीखी थी यार, देखते क्या आज हमें काम आती है। वैसे पूरी नहीं करूँगा, पूरी करूँगा तो मैं पक्के पे ले जाऊँगा, थोड़ी बहुत करके देखते गाइस। एक तो हम लोग यहाँ से साइड से जाने की कोशिश करते, जो कि मैंने कर दी बहुत सी, लेकिन ये बंदा मेरे से आगे किसने कर लिया। और ये वाली ट्रिक अभी मैं स्किप कर देता हूँ, पूरी नहीं करते, एक कर लेते, इससे शायद मैं इसको ओवरटेक मार सकता हूँ। यार ओवरटेक मैंने मार दिया गाइस, ये ट्रिक मुझे बेस्ट लगती है, जिसने कर दी ना वो ओवरटेक मार देगा किसी को भी, मतलब यही एक अकेली ट्रिक है इस पूरे इसमें पूरे मैप में, जिसमें आप ओवरटेक मार सकते हो गाइस किसी को। बाकी अगर कोई भी वाली ट्रिक नहीं करता है ना, और आपने कर दी, तो आप तो जीत गए गाइस, जैसे कि आपने देख ही लिया कि मैं जीत चुका हूँ उस एक ट्रिक के कारण, तो वो सीख लो। तो यहाँ पे आ चुके हम लोग गाइस जंगल रोल में, और हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे बहुत दिनों बाद लग रहा है ऐसा जंगल रोल खेल रहा हूँ,
लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ट्रिक करते हुए चलते गाइस। हम लोग ट्रिक भी मेरी एक आती हुई है, अभी अच्छे से पूरी नहीं हुई है। सामने यहाँ पे बॉडी पड़ रही है, क्या है, GTA नाम है इसका भाई। GTA खेलना जाके यहाँ पे स्टम्बल गाइस खेल रहा है और बॉडी भी मार रहा है। बस एक बंदा और है मेरे आगे, इसको कैसे ओवरटेक मारा जाएगा इस, एक ही तरीका है, इसको फेंक के मारना पड़ेगा, हमारा बनाना इमोट। अभी यहाँ पे मारते हैं और यहाँ फेंक दिया और करेक्ट लग भी गया, बहुत सही। लेकिन मैं यहाँ पे मिट्टी में फंस गया यार, जल्दी चल इससे पहले वो आ जाए यार, पीछे से बहुत गुस्से में आ रहा होगा वो। जल्दी चलते हैं, इसके पास इमोट है क्या, यहाँ पे देख लेते हैं। नहीं यार, इसके पास इमोट नहीं है लग रहा है। तो गाइस सेकेंड राउंड में आ चुका है स्पिन गो राउंड, चलते हैं फिसल के। यहाँ पे सब मेरे से आगे फिसल रहे हैं, अभी एक एक करके सबको ओवरटेक मारता हूँ, देखते जाओ बस आप कैसे मारते हैं हम लोग। यहाँ पे एक ही बार मार दिया और ये बंदा फिर मेरे से आगे, मतलब कैसे यार, पिछली बार भी यही मेरे साथ था, इस बार भी यही मेरे साथ है भाई। और अच्छा इसके पास इमोट नहीं है वरना मारता मुझे पकड़ के। लेकिन यहाँ पे ये कर दी ना हरकत भाई, ये मुझे ना सही नहीं लगा, इसने जानबूझ के बॉडी मारी भाई। चलो इसको बाद में देखूंगा, पहले मैं अंदर तो चल जाऊँ यार, यहाँ पे मुश्किल है, मैं अंदर चल जाऊँ। यहाँ पे मेरे को कुछ भी खराब नहीं करना था, लेकिन मैं इतनी सिली मिस्टेक हर बार कर देता हूँ, जैसे ही एक बार खराब हो जाता है अभी भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं अभी भी आ गया हूँ। कहाँ है भाई वो, इसको अगले राउंड में बताएंगे हम लोग। अरे यहाँ पे तो यार बॉड बैश ही आ गया, चलो छोड़ो क्या ही मारेंगे इसको, जान दो भाई, जा माफ़ किया, जा माफ़ किया यार, छोड़ दिया मैंने, और अब क्या ही करेंगे। देखो खुद ही भाई मेरे बनाना पे जाके फिसल रहा है भाई ये, मैं तो ऐसे ही मजाक में फेंक रहा था, मतलब इसको लगता है मजे आ रहे हैं बनाना फिसलने में। यहाँ पे किसी ने मेरी तरफ बनाना ही मोड़ फेंका था, लेकिन किसी और में पड़ गया, शायद से बिल्ली में पड़ गया था, ऐसा दिखा कुछ उड़ते हुए आया, लेकिन फिर मुझे समझ ही नहीं आया क्या हुआ। तो अच्छा है भाई मेरे में नहीं टकराया, किसी ने मेरे सामने भाई गोली ले ली, शायद वो बिल्ला ही था और फिर से वो टकरा के बाहर हो गया। और ये क्या कर रहा है भाई, मेरे से क्यों टकरा रहे हैं लोग आके, आज चार लोग बाहर हो गए और दो तो मेरे से ही टकरा के बाहर हो रहे हैं। और यहाँ पे एक और आ गया बंदा, इससे थोड़ा दूर रहता हूँ मैं, आज सब मुझसे ही टकरा रहे हैं, थोड़ा सा दूरी बनाएंगे। अरे ये बंदा बाहर नहीं हो गया अभी तक, इसको यार अब क्या करें, छोड़ो भाई मारने का तो कोई अपना प्लान है नहीं, अपन लोग अपने बच के खेलते हैं थोड़ा सा। ये लाल कीड़ा मुझे लग नहीं रहा आज भाई मेरे साथ है, क्योंकि आज यहाँ पे इतना हाई फेंका है मुझे, लेकिन बच गया। अच्छा यार पेंट में नहीं रहा इसमें, बच गए हम लोग, पेंट में गिर जाता ना तो फिर मजा आ जाते पेंट को, पेंट से तो दूर ही रहना है भाई। लेकिन यहाँ पे हर साइड से कीड़े मुझे ही मार रहे थे भाई। तो यहाँ पे आ चुका है हमारे फाइनल गेम में गाइस, और आईसी हाइट्स आ चुका है, और यहाँ पे गेम का टकरा है हल्का सा, और ये थोड़ा सा यार मेरी गलती नहीं गाइस, गेम में टक गया था, शायद वीडियो में नहीं आया होगा लेकिन रियल में टक गया था, सही में भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये देखो इस बार कर दी मैंने, लेकिन ठीक ही हुई है, आधी अधूरी जैसी होती है वैसी हुई है। सामने फेंक के मारा था केला, लेकिन लगा किसी केले में ही, और दूसरा केला फिसल गया, और इधर यहाँ पे बच गया, मैं खुद फिसल जाता लेकिन आके कोई और फिसल गया। अच्छा यार ये कहीं ना कहीं फेंक दो, कोई ना कोई आके फिसल जाता, और अच्छी खासी यार भीड़ खाली हो जाती है सामने से, बहुत सही यार बनाना इमोट। तो और यहाँ फुटबॉल मैच आ चुका है हमारे फाइनल गेम में गाइस, यार यहाँ पे इंडोनेशिया का भी कोई बंदा है, चलो ठीक है, एक एक टीम से सब आ चुके हैं। और पहला शॉट हमारी टीम वाले ने किसी ने मारा था यार, अच्छा खासा गया था लेकिन गोल नहीं पड़ा, कोई बात नहीं, हम लोग आ चुके हैं, तीनों बॉल हमारे पास ही है, लगता है आज हमारा इजी विन हो जाएगा। एक बॉल मुझे मिल गई और मैंने मार दी गाइस, अपना पहला गोल गिन लो, मैंने मारा है, एक गोल हो चुका है हमारा, और दूसरा गोल भी जा चुका है। बीच में से देखो टिप्स एंड ट्रिक्स दिखाता हूँ, यहाँ पे अच्छी शूट पड़ी नहीं यार, थोड़ा एच पड़ गया, कोई बात नहीं, दो गोल तो हो चुके हैं हमारे। यहाँ पे मैंने डिफेंड कर लिया अच्छे से, और बॉलिंग चक रही है, मारना स्केलेटन, अबे यार इसके भरोसे मैंने क्यों छोड़ा, देखो गोल ही खा लिया यार, मेरे टीम वाले ना ऐसे मुंगड़े रहते हैं ना भाई, गोल ही पड़वा दिया, मतलब मुझे लगा था मारेगा, मैं हट गया लेकिन उसने छोड़ दिया, एक गोल पड़ गया उनका। चलो अच्छा है, एक और तो नहीं पड़ा है, एक बचा लेता हूँ, मैं ना खुद से ही खेलता हूँ, किसी के भरोसे नहीं रहना हमें। दो गोल मार के अगर हमने दो गोल खा लिए ना, तो फिर वो अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस वाला मैच हो जाएगा, जो कि मुझे नहीं बनाना है, इसको आराम से जीतना है भाई, पूरा मैं मारते ही जा रहा हूँ, देख रहे हो, मतलब हाफ के इधर आने नहीं दे रहा हूँ बॉल, लेकिन मेरे टीम वाले यार करके आने सबके सब। ओ नहीं नहीं यार क्या हुआ भाई, ये तो सेम हो रहा है, अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस मैच बन गया ये, यहाँ पे कैसे यार इन लोगों ने कमबैक कर दिया भाई, 2-0 से जीते थे गाइस हम लोग, 2-2 हो चुका है, और वहाँ पे क्या हो रहा है भाई, 3 हो गया यार, हर बार दिया भाई, ये क्या है यार, ये सेम अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस मैच दिखाई दे रहा है मुझे, और हमारी टीम ने भी मार दिया गाइस, क्या चल रहा है भाई, इधर 3-3 हो चुका है, सेम वर्ल्ड कप जो फिनाले था इस बार का भाई, वो ही चल रहा है 2022 के वर्ल्ड कप का। लेकिन यार
अब ये तभी प्रूव होगा कि ये सेम था अगर हमने मार दिया, ब्लू टीम ने एक गोल और मार दिया और मैंने मार दिया तो हम लोग जीत जाएंगे गाइस। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैच बहुत ज़्यादा ही टफ चल रहा है शायद से, यार कुछ तो कुछ हमें चमत्कार चाहिए। मैं यहाँ पे डिफेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, ये लोग एक और गोल खा लेंगे और अच्छा खासा मैच में हम लोग बाहर हो जाएंगे। यहाँ पे बस मुझे थोड़ा सा अच्छा सा टच करना था यार और गोल पड़ जाता हमारा। पीछे से बॉल लेके आता हूँ, ये लोग गोल नहीं खा ले। यहाँ पे एक और बॉल आ रही है, इसको बचाओ। चलो ये बचा लिया, क्या करे गाइस क्या करे भाई, मुझे आगे जाना ही पड़ेगा अगर गोल मारना है तो गाइस। ए भाई गोल मत खा लेना, अच्छी शूट मार दी थी उसने। ये लोग एक और बॉल क्लियर कर दी, उस बॉल को क्लियर करो यार, मुझे जानी पड़ेगा लग रहा है अटैक पे इस एक बॉल के सहारे। लेकिन ये भी पीछे चली गई, एक बॉल और आ गई है, इसको मैं लेके जाऊं। भाई मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं बीच में कहाँ जा रहा हूँ, इसको यहाँ से ले जाना था मुझे। चलो ठीक है गाइस, एक फाइनल रन हो जाए, कम ऑन कर सकता हूँ क्या मैं? नहीं यार नहीं हुई। इसको मारो, अरे क्या मारा है भाई, घूम के अंदर चली गई गाइस, जहाँ पे कर दिया। अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस, अर्जेंटीना फिर से जीत चुकी है गाइस, मजा ही आ गया यार। सेम मैच हुआ गाइस पूरा, मतलब 2-0 फिर 2-2 फिर 3-3 फिर 4-3 और मैच खत्म। तो फाइनल में आ चुका है गाइस बॉट बैच और हम सारे टीम वाले आ चुके हैं। तो पहले तो मुझे इन लोग के लिए ताली बजाने का मन कर रहा है, जो कि मैं नहीं बजा सकता हूँ क्योंकि ऐसा कोई इमोट है नहीं। और हम सब टीम वाले हैं तो कोई भी जीते यार मुझे तो सेम ही लगेगा, क्योंकि हम सब ने बहुत ही अच्छा खेला। लेकिन अभी हो चुका है हमारे में ही कॉम्पिटिशन, तो हमें अब जीतना पड़ेगा ना, तो जीतते। एक बंदा तो बाहर निकल लिया पेंट से, एक बंदा यहाँ पर उड़ के आया स्केलेटन। एक तो मुझे ये नहीं मालूम इनमें से कितने के पास इमोट है, तो मुझे वो भी देख के खेलना पड़ेगा क्योंकि कोई भी आके तो भाई मुझ में भर ही सकता है, तो इसलिए थोड़ा दूर ही रहते हैं सबसे। और दो लोग बाहर हो चुके हैं, ऐसे होते रहेंगे एक एक करके। यहाँ पे एक बंदा कोने में पता नहीं क्या कर रहा है, ये उड़ा ओजी वाला। अरे भाई मेरे को खाने जा रहा है कीड़े, अरे बच गया, नहीं गया गया वो बच गया गाइस। यहाँ पे बहुत ही लंबा सफ़र था पिटने का, लेकिन बच गए हम लोग। और इसी दौरान एक और बंदा बाहर हो गया, एक और यहाँ पे उड़ा। भाई आज क्या हो रहा है, लोग उड़ते हुए दिख रहे हैं मुझे लिटरली, मतलब उड़ ही रहे हैं डायरेक्ट पेंट से। और क्या हम लोग सर्वाइव करके जीत सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे कीड़े आ चुके, मैं कैसे तो जम करके बच गया हूँ। एक और बंदा बाहर, इसी के साथ हम लोग जीत गए, पूरे मैच को हमने कॉन्कर कर लिया है गाइस। तो इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी स्टंबल गाइस की वीडियोस देखने के लिए। और पिछली वीडियो देखने को स्टंबल गाइस की तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, देख लो दबा के।